गाइज मैं लेके आ चुका हूँ तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा कमाल का वीडियो जहाँ पर हम लोग काफी सारे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। हाँ जी गाइज, इस वीडियो के अंदर एक तो मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट वेपन रॉयल के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ गाइज, बहुत सारा कंफ्यूजन बंदों के दिमाग में चल रहा है कि नेक्स्ट वेपन रॉयल हमारे इंडिया सर्वर के अंदर कौन सा आएगा, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, आज मैं आप लोगों को क्लियर कट एकदम नेक्स्ट वेपन रॉयल का रिव्यू करवाने वाला हूँ। फिर बस गाइज, आज हम लोग नेक्स्ट वेपन रॉयल ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, आज मैं आप लोगों को विंटरलैंड स्पेशल सभी पेड इवेंट के बारे में बताऊंगा, ये तो कंफर्म रहा। हाँ गाइस, ये जो हमारा विंटरलैंड इवेंट है, इस थीम पर काफी सारे ओल्ड रेयर आइटम रिटर्न पे आने वाले हैं, काफी न्यू आइटम्स भी आने वाले हैं, तो सबका इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को वीडियो में दूंगा। फिर यार विंटरलैंड इवेंट के साथ साथ आज हम लोग ओबी अपडेट के रिगार्डिंग भी डिटेल में बात करेंगे। ओबी अपडेट के काफी सारे चेंजेस वगैरह है, जो की बहुत स्पेशल चेंजेस है जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा, वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा। भाई बहुत ही कमाल का वीडियो है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखो क्योंकि इस वीडियो में काफी सारे फ्री रिवॉर्ड्स का भी इन्फॉर्मेशन है। हां जी गाइस, फिलहाल अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले टुनाइट अपडेट के बारे में बता देता हूं। देखो भाई, कल है 1 दिसंबर, तो कल 1 तारीख को हमारे गेम के अंदर काफी सारे इवेंट्स आएंगे। सबसे पहले सीएस रैंक का नया सीजन आएगा, जिसके रिगार्डिंग एक पोस्टर मुझे मिला, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। भाई ये हो गया हमारा पहला टुनाइट अपडेट। फिर कल हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट बुया पास आएगा और नेक्स्ट बुया पास का रिंग इवेंट भी आएगा, आप लोग स्क्रीन पर रिंग इवेंट देख पा रहे होगे, बाकी बुया पास का रिव्यू तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। हां तो भाई ये हो गया हमारे टुनाइट अपडेट, दो टुनाइट अपडेट है, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अभी गाइज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले ओबी अपडेट के बारे में बताता हूँ। बेसिकली ओबी अपडेट के कुछ मेन चेंजेस है, वो हम लोग कवर करेंगे अभी। जी हाँ गाइज, देखो पहले तो हमारे गेम के अंदर हम लोगों को एक नया मोड देखने को मिलेगा। बेसिकली ये कोई नया मोड नहीं, एक पुराना ही मोड है जो कि रिटर्न पे आने वाला है। इस मोड का नाम है स्नोमैन मोड। यहाँ पर भाई तुम लोग जैसे जैसे खेलते जाओगे और एनिमीज को मारते जाओगे, तुम लोग यार स्नोमैन में तब्दील होते जाओगे, तुम्हारा अपर लोअर सब कुछ स्नोमैन वाला हो जाएगा। बट जैसे ही कोई तुम लोगों को किल कर देगा, तुम लोग एक स्नो बॉल बन जाओगे और फिर तुम लोगों को इधर से उधर जाना पड़ेगा, एंड बस आप लोगों को ऐसे मूवमेंट करनी है, तुम लोग वापस से रिवाइव हो जाओगे। बट एक बात मेरी ध्यान रखो, अगर बाय चांस तुम लोग स्नोबॉल बने और कोई तुम लोगों को मार देता है, एलिमिनेट कर देता है स्नोबॉल में गोली मार के, तो तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। खैर फिर यार न्यू कैरेक्टर की बात करें तो भाई इस बार का न्यू कैरेक्टर भी काफी ज्यादा स्पेशल है। कोडा नाम है न्यू कैरेक्टर का, तुम लोगों को पता लग ही गया होगा, मैंने एडवांस सर्वर दिया था तुम लोगों को, उसमें कोडा कैरेक्टर था। खैर इसकी एबिलिटी की बात करें तो भाई पहली एबिलिटी इसकी ये है कि जैसे आप लोग लैंड कर रहे होगे तो इस कैरेक्टर के एरिया के अंदर अंदर जितने भी बंदे होंगे उनकी लोकेशन मार्क हो जाएगी। फिर यार ये कुछ टाइम तक ऑब्स्टिकल के आर पार बंदे को भी हाईलाइट कर सकता है, काफी खतरनाक कैरेक्टर है। आई नो तुम लोगों को इसके बारे में पता लगी क्या होगा, बट फिर भी यार अभी मैं तुम लोगों को और भी कुछ अपडेट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि भाई अभी हम लोग बात करते हैं गन्स के चेंजेस के बारे में। हमेशा ही ओबी अपडेट में गन्स में काफी सारे चेंजेस होते हैं, काफी सारे अपडेट आते हैं, तो इस बार का वेपन एडजस्टमेंट का पोस्टर आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। भाई सबसे पहले यहाँ पर न्यू वेपन है, आप लोग देख सकते हो, इसको यूज भी तुम लोगों ने कर ही लिया होगा। फिर इसी के साथ साथ भाई मैं तुम्हें बताऊँ तो P90 की स्किन, M41 की स्किन और M14 की स्किन इम्प्रूव होने वाली है। रॉगन और M1014 सेम रहेंगी, बट हाँ कुछ नए अटैचमेंट भी आने वाले हैं। फिर गाइस स्नाइपर का जो क्रॉस एयर है वो विजिबल होने लगेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी इसके अलावा गाइस जो चेंजेस मुझे सबसे अच्छे लगे वो चेंजेस भी मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला है भाई ट्रैवल इमोट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि गाइस जो ट्रैवल इमोट होते हैं जिनसे तुम लोग आगे पीछे मूव करते हो, पता होगा यार बहुत सारे इमोट है, गाड़ी वाला एंड बहुत सारे और भी है, तो अब यार आप लोग ट्रैवल इमोट को स्प्रिंट करते समय भी यूज कर पाओगे। फिर इसी के साथ साथ गाइस अब अगर तुम लोग ट्रैवल इमोट यूज करते हो और कहीं ऊंची जगह से जंप वगैरह भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी यार, ट्रैवल इमोट फिर भी बरकरार रहेगा। जैसे भाई करंट टाइम पे क्या सीन रहता है, अगर आप लोग पहाड़ी से नीचे आ रहे हो और ट्रैवल इमोट को यूज करते हो तो भाई वो खुद ही डिसअपीयर हो जाता है क्योंकि आपकी फॉल वगैरह होती है, बट अब ऐसा नहीं होगा, अब तुम लोग कहीं से भी उतरो कहीं से भी कूदो ट्रैवल इमोट तुम्हारा बरकरार रहेगा, ये मुझे बहुत सही लगा। अब मुझे बस एक ही कंफ्यूजन है कि अगर हम लोग ट्रैवल इमोट का यूज करके कहीं से जंप वगैरह लगाएंगे तो क्या हमारे कैरेक्टर को डैमेज आएगा या फिर कैरेक्टर को डैमेज भी नहीं आएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं भाई, ये चीज तो हमको अपडेट के बाद ही पता लगेगी कि क्या होने वाला है, डैमेज आएगा नहीं आएगा। बट डियो इमोट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी तुम्हें बता देता हूं। देखो गाइस डियो इमोट को अब आप लोग सिंगल भी यूज कर सकते हो लॉबी के अंदर, आपको किसी दूसरे प्लेयर के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर इसी के साथ साथ अगर आप लोग लॉबी में डियो इमोट को यूज करोगे तो आपके जितने भी टीममेट्स रहते हैं उन पे क्लियर नोटिफिकेशन जाएगा ज्वाइन करने का, वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़िया है भाई, इमोट के मुझे दोनों चेंजेस काफी अच्छे लगे एंड मैं जानता हूं तुम्हें भी ये इमोट के चेंजेस पसंद आए होंगे। बट फिलहाल गाइस अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी मैं तुम लोगों को और भी कमाल कमाल के अपडेट्स जो देने वाला हूं। लेकिन भाई अभी जो मैं तुम्हें अपडेट्स दूंगा वो भी अपडेट के रिगार्डिंग नहीं होगा, यानी कि अभी हम लोग ओबी अपडेट के चेंजेस के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि गाइस अभी तो मैं तुम लोगों को इवेंट्स के बारे में बताऊंगा। हाँ भाई इवेंट्स के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है, तो चलो मैं तुम लोगों को अभी अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताता हूँ। हाँ जी, तो गाइस सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देखो, ये है हमारे गेम के अंदर आने वाला विंटरलैंड स्पेशल रिंग इवेंट। एंड इस रिंग इवेंट में यार हम लोग को टोटल 4 आइटम्स देखने को मिल रहे हैं, 2 यहाँ पर बंडल है, 1 गाड़ी की स्किन और साथ ही साथ 1 यहाँ पर स्कार्फ भी है, आप लोग स्क्रीन पर रिव्यू देख सकते हो। चारों ही आइटम वाकई में बहुत प्यारे लग रहे हैं। बट द थिंग इज कि गाइस ये सारे जो आइटम आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये ऑलरेडी हमारे गेम के अंदर आ चुके हैं। गाइस मेरे
मेरे कहने का मतलब है कि ये जो आप लोग स्क्रीन पर रिंग इवेंट देख पा रहे हो, इसके जो आइटम्स है ये हमारे गेम के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, हालांकि अभी ये रिटर्न पे आने वाले हैं। तो अभी गाइस आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, आपको मैं कमाल का इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो भाई, ये एक विंटरलैंड स्पेशल रिंग इवेंट है जो कि हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट मंथ दिसंबर में आएगा। अभी मैं नेक्स्ट मंथ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिसंबर चालू नहीं हुआ है, कल दिसंबर मंथ चालू होगा जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ। तो भाई आज 30 दिसंबर है और 30 दिसंबर को मैं वीडियो को अपलोड करूंगा। बाकी खैर गाइस, अगर हम लोग इसकी कंफर्म डेट की बात करें, जो रिंग इवेंट तुम लोग देख पा रहे हो भाई, ये रिंग इवेंट हमारे गेम के अंदर आएगा 12 दिसंबर के दिन। 12 दिसंबर इसका कंफर्म डेट है, अभी तुम लोग चिल मारो। 12 तारीख के दिन हमारे गेम के अंदर सुबह 4 बजे ये इवेंट आ जाएगा। फिर गाइस हमारे गेम के अंदर दिसंबर में और भी काफी सारे विंटरलैंड स्पेशल इवेंट्स आने वाले हैं, जिसमें से एक है ये ग्लू वॉल रॉयल। हाँ गाइस, आप लोग स्क्रीन पर ये ग्लू वॉल रॉयल को देखो, बहुत ही कमाल का ग्लू रॉयल है ये। यहाँ पर हम लोगों को एक नहीं बल्कि काफी सारे ग्लू वॉल देखने को मिल रहे हैं, सारे ग्लू वॉल बहुत अच्छे हैं। एंड ये ग्लू वॉल हमारे गेम के अंदर आ भी चुके हैं, बट अभी गाइस आप लोगों को फिर से एक मौका मिलेगा ये ग्लू वॉल्स को लेने का, यानी कि गाइस ये सभी ग्लू वॉल एक ही रॉयल के अंदर रिटर्न पे आने वाले हैं। एंड आई एम डैम श्योर भाई, आप लोग जरूर इनका इंतजार करोगे क्या भाई, तुम लोग डेफिनेटली इनका इंतजार कर ही रहे होगे। तो चलो भाई, मैं तुम लोग को जल्दी से ग्लू वॉल रॉयल का कंफर्म डेट बताता हूँ। देखो भाई, ये एक विंटरलैंड स्पेशल ग्लू रॉयल है जो कि हमारे गेम के अंदर दिसंबर में आएगा। एंड भाई ये हमारे गेम के अंदर 7 दिसंबर के दिन आने वाला है। 7 दिसंबर ये ग्लू रॉयल का कंफर्म डेट है, तुम लोग बस 7 दिसंबर का इंतजार करो, 7 दिसंबर के दिन हमारे गेम के अंदर ये इवेंट आ जाएगा। बाकी भाई अब हम लोग विंटरलैंड स्पेशल इवेंट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो चलो यार मैं आप लोगों को विंटरलैंड स्पेशल लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट के बारे में बताता हूँ। मुझे पता है तुम लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट के बारे में सुन के, तो भाई तुम लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत हो और स्क्रीन पर देखो, ये है भाई हमारे गेम के अंदर आने वाला लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट, जिसका प्रॉपर रिव्यू तुम्हारी स्क्रीन पर है भाई, प्रॉपर रिव्यू है ये। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, ये लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट के अंदर सभी आइटम्स बेसिकली विंटरलैंड ही थीम के हैं, पर बंडल ग्रेनेड काफी सारी चीजें हैं। आप लोग आराम से स्क्रीन पर पूरे के पूरे इवेंट का रिव्यू देखो, और जब तक तुम लोग इसका रिव्यू देख रहे हो तब तक मैं आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कुछ कमाल का इन्फॉर्मेशन देता हूं। गाइस ये जो लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट है ना यार, ये हमारे गेम के अंदर वैसे तो मंथ की स्टार्टिंग में आना चाहिए था, मंथ की स्टार्टिंग से मेरा मतलब है 4 या फिर 5 तारीख को, बट गाइस ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो डिस्काउंट इवेंट है ये मंथ के स्टार्टिंग में नहीं बल्कि मंथ के मिड में आएगा। एंड इसका ओनली रीजन है ओबी अपडेट। जी हाँ गाइस, हमारे ओबी अपडेट की वजह से इस इवेंट को थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाएगा। एंड सीधा सीधा मैं आप लोगों को बोलूं तो 4 तारीख को लकी व्हील की जगह ओबी अपडेट ही आ रहा है, इसी वजह से गाइस हम लोगों को ये लकी व्हील हमारे गेम के अंदर मंथ के मिड में 14 या फिर 15 तारीख को देखने को मिलेगा। वैसे भाई अभी के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि यार बोल रहे कि लकी व्हील हमारे गेम के अंदर मंथ के स्टार्टिंग में ही आएगा, 4-5 तारीख के आसपास। लेकिन भाई मैं तुम्हें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मंथ की स्टार्टिंग में कोई लकी व्हील नहीं आने वाला है, लकी व्हील तुम्हारे गेम के अंदर मंथ के मिड में ही आएगा। बाकी खैर गाइस, अभी मैं आप लोगों को लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट के बारे में बता चुका हूँ, तो अभी गाइस हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वेपन रॉयल का भी रिव्यू करवा देता हूँ। जी हाँ गाइस, नेक्स्ट वेपन रॉयल के रिगार्डिंग भी काफी सारा कंफ्यूजन चल रहा है, बट तुम लोगों को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी स्क्रीन पर अवेलेबल है हमारे नेक्स्ट वेपन रॉयल का रिव्यू। हाँ गाइस, यही हमारे गेम के अंदर आने वाला नेक्स्ट वेपन रॉयल, जहां पर हम लोगों को एक ही का स्किन देखने को मिलेगा जिसका नाम है पिगमेंट स्प्लैश। यहाँ पर भाई डबल रेट ऑफ फायर और सिंगल एक्यूरेसी प्लस में गन का स्किन लुक वाइज बहुत बढ़िया है, बट एट्रीब्यूट्स कुछ खास है नहीं। एंड एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ भाई, आजकल हमारे गेम के अंदर वेपन रॉयल में ऐसे ही गन के स्किन आते हैं जिनका लुक बढ़िया होता है लेकिन एट्रीब्यूट्स बिल्कुल काम के नहीं होते हैं। एंड बहुत सारे गन तो भाई वेपन रॉयल में ऐसे भी आ जाते हैं जिनका लुक भी अच्छा नहीं होता है। खैर जो भी हो गाइस, अभी मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर प्रॉपर रिव्यू दिखा दिया है हमारे नेक्स्ट वेपन रॉयल का, तो उम्मीद है नेक्स्ट वेपन रॉयल आप लोगों को पसंद आया होगा। अब तुम लोग भाई कमेंट्स में जरूर बताना कि तुमको नेक्स्ट वेपन रॉयल कैसा लगा। ओके गाइस, अभी हम लोग बहुत से अपडेट्स इवेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं, तो अभी हम लोग अपडेट्स इवेंट्स की दुनिया से बाहर निकलते हैं और कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि भाई गिव अवे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं किसी 10 बंदों को 1000 डायमंड का गिव अवे देने वाला हूँ। हाँ भाई, 3 नहीं 4 नहीं, पूरे 10 बंदों को 1000 डायमंड्स का गिव अवे मिलेगा। रूल्स गिव अवे के बहुत सिंपल है, आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये चीज गाइस कंपलसरी है, तो ये चीज जरूर करना। तो जैसे भाई तुम लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, देन आपको जाना आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन पर, कमेंट सेक्शन पर जाके आपको दबा के कमेंट्स कर देने। हाँ भाई, तुम लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना। एंड एक चीज और ध्यान पर रखना कि आप लोग जितने भी कमेंट्स कर रहे हो अपने कमेंट्स के साथ अपना UID जरूर से दे देना, क्योंकि भाई कमेंट्स को पिक करता हूँ मैं रैंडम कमेंट पिकर वेबसाइट के अंदर से। तो भाई मैं आज भी ऐसे ही करूंगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर से 5 लोगों के कमेंट को पिक करूंगा वेबसाइट का यूज करके, रैंडम कमेंट पिकर वेबसाइट का यूज करके। फिर भाई वो जो 5 कमेंट्स पिक होंगे उनके कमेंट्स में जो भी UID लिखा होगा वही UID में 1000 डायमंड का टॉपअप भेज दूंगा। सिंपल सा रूल है भाई, बस कमेंट करो अपनी UID के साथ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। एंड फिर इंतजार करो 3 से 4 दिनों का, क्योंकि 3-4 दिन के बाद ही मैं गिव अवे के विनर पिक करता हूँ। तो जैसे ही भाई मैं विनर पिक करूंगा अगली वीडियो में अनाउंसमेंट भी कर दूंगा। बाकी भाई जो भी विनर बनेगा ऑटोमेटिक उसकी आईडी में डायमंड आ ही जाएगा भाई, वो जब भी आईडी खोलेगा उसको पता लग जाएगा कि वो विनर बना था एंड उसको 1000 डायमंड मिल गए। अभी गाइस आप लोग कमेंट करो और सब अपनी किस्मत में छोड़ दो। बाकी अभी यार मैं आप लोगों को अपकमिंग अपडेट्स इवेंट्स के बारे में बता चुका हूँ एंड गिव अवे का इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दे दिया। तो अभी गाइस हम लोग आज के इस कमाल के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।